दोस्तों नमस्कार, मेरे साथ खड़े हैं विजय कुमार जी सोनी। विजय कुमार जी सोनी पहले भी मेरे इस स्टूडियो में आ चुके हैं और इनकी इंडिया इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी कंपनी है। इंडिया इंटरनेशनल कंपनी में माइनिंग के संबंध में बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट काम लिए जाते हैं। इन्होंने पहले भी खेलगांव में भी एक बहुत बड़ा आयोजन किया था, लेकिन इस बार अभी क्योंकि विजय कुमार जी सारी चीज़ें बताएंगे आपको, बट विजय कुमार जी मैं तो चाहूँगा आपसे कि बहुत बहुत थैंक्स कि आपने वर्ल्ड लेवल के लोग इस एग्जीबिशन में आएंगे और इंडिया लेवल की या वर्ल्ड लेवल की इसको एग्जीबिशन कह सक रहे हैं हम। तो आप सबसे पहले तो जो आपके हाथ में ये जो कार्ड है आपके एग्जीबिशन का, उसके बारे में समझावें और भी आप अपना पूरा परिचय देवें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार सोनी है। मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, माइनिंग कंस्ट्रक्शन मशीनों का, स्टोन क्रशर्स प्लांट, ग्राइंडिंग मिल्स वगैरह का। काफ़ी कंट्रीज़ में, लगभग 19 कंट्रीज़ में मैंने इस तरह के इंटरनेशनल एग्जीबिशन देखे हैं मिनरल्स माइनिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपना उदयपुर भी एक बहुत बड़ा मिनरल्स माइनिंग मार्बल हब है, तो एक इंटरनेशनल एक्सपो यहाँ पर भी होना चाहिए। इसी चीज़ से प्रेरणा लेते हुए हमने लास्ट ईयर मार्च में एक इंटरनेशनल एक्सपो खेलगांव में उदयपुर के अंदर आयोजित किया था, जिसमें 100 से ज़्यादा कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था और अपनी अपनी बड़ी बड़ी मशीनों को यहाँ पे डिस्प्ले किया था। इस एग्जीबिशन की अपार सफलता को देखते हुए हम फिर से इस एग्जीबिशन को इस वर्ष फरवरी में यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर आयोजित कर रहे हैं और इस बार 100 से ज़्यादा कंपनियां मिनरल्स माइनिंग कंस्ट्रक्शन अर्थ मोड्स मशीनरी से रिलेटेड यहां पार्टिसिपेट करेगी और अपना अपना प्रोडक्ट यहां पे डिस्प्ले करेगी। इस एग्जीबिशन से उदयपुर के बिजनेसमैन व्यवसाय को तो फ़ायदा है ही है, लेकिन यहां के दूसरे जो जैसे पर्यटन विभाग हो गया, दूसरे और टूरिज़्म हो गया, यहाँ उस सारे डिपार्टमेंट्स में यहाँ के लोगों को करोड़ों लाखों रुपये का फ़ायदा होगा, क्योंकि 100 से ज़्यादा कंपनियां यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है तो वो 100 कंपनियों के तो लोग आ ही रहे हैं, प्लस इस एग्जीबिशन को देखने दुनिया भर से हजारों लोग आएंगे। 50,000 से ज़्यादा विजिटर्स को हम लेकर चल रहे हैं कि इस बार इस एग्जीबिशन को देखने आएंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि इंटरनेशनल एक्सपो हो रहा है GMME इंडिया। GMME का मतलब हो गया ग्लोबल मिनरल्स एंड मशीनरी एक्सपो। 21 से 24 फरवरी 2019 को उदयपुर में कर रहे हैं यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर, जिसमें मिनरल्स मार्बल माइनिंग कंस्ट्रक्शन अर्थ मोवर्स से रिलेटेड बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पे अपना स्टॉल लगाएगी और अपने अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेगी। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि हम विजय कुमार जी सोनी से बात कर रहे हैं। सर, इतनी बड़ी एग्जीबिशन हो गई उदयपुर के लिए तो बहुत बड़ी बात है, मेरे ख्याल से राजस्थान में भी पहले शायद किसी ने नहीं की। हाँ, पहले तो ये बताइए इस तरीके का माइनिंग कंस्ट्रक्शन मशीनों का एग्जीबिशन राजस्थान में ये पहला यहाँ होता है, जो हमने लास्ट मार्च में किया था 2018 में और इस बार हम 2019 में कर रहे हैं। जयपुर में किस तरीके का इवेंट होता है, बट दैट इज़ ओनली फॉर मार्बल एंड मार्बल रिलेटेड मशीनरीज। ये हमारा पूरा इवेंट जो है ये मार्बल प्लस माइनिंग कंस्ट्रक्शन अर्थ मोर्स मशीनरी और जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल मशीनरी होती है उन पर बेस्ड है। सोनी जी, मुझे आप ये बताएं कि इसे हमारे उदयपुर को और राजस्थान भी बहुत बड़ा माइनिंग क्षेत्र है, क्योंकि उदयपुर में भी, राजसमंद में भी, केलवा में भी, और तो राजस्थान को क्या फ़ायदा मिलेगा आपसे? देखिए, हजारों लोग इस एग्जीबिशन को दुनिया भर से यहाँ देखने आएंगे जो मिनरल्स माइनिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है काफ़ी लोग, काफ़ी जो यहाँ के ऑलरेडी व्यवसायी हैं जो इस मिनरल्स माइनिंग कंस्ट्रक्शन अर्थ मोर्स मशीनरी से जुड़े हुए हैं, तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों का कोई डीलर बनेगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, कोई सब डीलर बनेगा, और काफ़ी मेरी तरह मैं भी आज एक फॉरेन कंपनी है उसमें एम्प्लॉय हूँ, तो काफ़ी लोगों को यहाँ रोज़गार भी मिलता है इस तरह के एग्जीबिशन में। फॉरेन कंपनीज आती है जो इंडिया में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहती है, तो वो लोकल लोगों को देखती है कि मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय चाहिए, लोकल बिजनेस चाहिए, तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा, इस बिज़नेस से रिलेटेड लोगों को तो फ़ायदा होता ही है। प्लस आप ये देखिए कि हज़ारों लोग अगर उदयपुर में आएंगे तो उदयपुर के जो दूसरे व्यवसाय हैं जैसे टूरिज़्म हो गया, होटल हो गया, इनको भी काफ़ी अच्छा बिजनेस मिलेगा। तो उदयपुर के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? उदयपुर के लोगों से मेरा निवेदन है कि इस तरीके का इवेंट हम लोग जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में होता है अब तक, जैसे बेंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में, हम इस इवेंट को उदयपुर में करना चाह रहे हैं। तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस एग्जीबिशन को देखने आएँ, और अगर आप मिनरल्स माइनिंग कंस्ट्रक्शन अर्थ मोर्स इंडस्ट्रियल मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आज ही अपना स्टॉल इस एग्जीबिशन में आप बुक करें और अपने व्यवसाय को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करें। थैंक यू सर। थैंक यू।